रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के रामबन इलाके में खड़े होकर सीधे पीओके की जनता को मैसेज दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि पीओके के लोगों को पाकिस्तान को छोड़कर भारत के साथ चले आना चाहिए। जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने भी कोई स्टेटमेंट्स दाग दी हैं और उन्होंने जो बयान दागे हैं, उन्होंने जो कश्मीरी हैं उनको उकसा दिया है और उकसा कर ये कहा है कि देख लो तो ये तो लोग तुम्हें अपना ही नहीं समझते, तो इसलिए इंडिया में शामिल हो जाओ। अभी हाल में ही एक हलफनामा कोर्ट में देते हुए वहां के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि पीओके ये फॉरेन लैंड है। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं, पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं, आइए हमारे साथ आइए। ओपनली ऑफर की जा रही है आजाद कश्मीर को वो इंडिया के साथ आकर मिल जाए। जो डिफेंस मिनिस्टर है उसको चुल्ली पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेरे को सुन रहे हो, आई एम उजैर खान और मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि पाकिस्तान, अगर आपने दोबारा ऐसा बोला तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे और आपको अपनी डिफेंस की जो आपकी मिनिस्ट्री है उससे हम आपको लात मार देंगे, आपका हसीना से भी बहुत बुरा हाल होगा। हमारी पाक आर्मी अब पूरी दुनिया में एक नंबर आर्मी है। अच्छा। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मौजूद है और हम इंडिया से कोई डरने वाले नहीं हैं और इंडिया अब हमारे जो पावर की चीज़ें हैं ना उनसे अभी काफ़ी पीछे हैं। जी दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, राजनाथ सिंह जी ने जम्मू कश्मीर के अंदर एक सभा में एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है पीओके के ऊपर और इस बयान से पाकिस्तान में हड़कंप मच चुका है दोस्तों। और जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, राजनाथ सिंह जी ने ये कहा कि ये जो पीओके के लोग हैं उनको पाकिस्तानी अपना नहीं मानते, क्योंकि इस तरह का बयान एक पाकिस्तानी सेक्रेटरी ने जो है कोर्ट में दिया था कि पीओके जो है वो एक फॉरेन टेरिटरी है और उसके उलट भारत जो है वो पीओके को अपना मानता है, पीओके के लोगों को अपना मानता है और पीओके के लोग अगर चाहे तो वो भारत में आ सकते हैं। इस बयान के बाद में पाकिस्तानी काफ़ी तिलमिला गया है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि इस बयान के ऊपर पाकिस्तानी किस तरह की रिएक्शन दे रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। बेसिकली ये तो पॉलिटिकल पॉइंट्स बेस्ड जो है ना वो स्कोरिंग करना जो है ना वो है, क्योंकि अभी जो है ना वो जिस हद आप लास्ट बैक टू बैक जो है ना वो इवेंट्स देखे ना, तो आपको ये देखेगा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है ना वो स्पेशली जो है ना वो मोदी की गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा जगह पे जो है ना वो शिकस्त खाई है उसने, ठीक है। हम कहते हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन रिसेंटली जिस तरह से बांग्लादेश और जिस तरह से वो शेख हसीना वाजिद को बैक कर रहे थे और वहाँ पे जो उनको डिफीट हुई है, ठीक है, और फिर मल्टीपल प्लेसेस पे इवन के अब जो है ना वो उनके इलेक्शंस देख लें उसमें जो है ना वो मोदी की गवर्नमेंट आई है, सो ये वाला बयानिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा बिकता है कि भाई हम जो है ना वो उनको कहेंगे। अगर आप इतनी ही राय जो है ना वो पूछने वाले हैं तो कब से ना यूएन ने जो है ना वो कहा हुआ है कि आप इलेक्शंस करवाएं और जो लोकल हैं किन्नी ऑक्युपाइड जितने भी हैं पाकिस्तान में हो गया या इंडिया में हो गया कश्मीर जो है उनसे जो है ना वो राय पूछ लें, वो अलग कंट्री बनाना चाहते हैं या फिर किसके साथ शामिल होना चाहते हैं। जो आज़ाद कश्मीर है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में जो कश्मीर है उसके लोगों को कहा कि भाई ये तो तुम्हारे अपने लोग तुम्हें अपना नहीं समझते, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है, हम तो ऐसे यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर तरक्की होगी और ऐसे काम होंगे कि खुद ही लोग ये कहेंगे कि इस तरफ शामिल होना। उन्होंने कहा शामिल हो जाओ, इधर देख लें क्या हो रहा है, ये देख लें आप क्या हो रहा है। ये बात करने की उनको मौका दिया है पाकिस्तान के अपने एडिशनल सेक्रेटरी ने कि पाकिस्तान जो है वो उसका जो माइंडसेट है वो विनर माइंडसेट है, वो कभी हार नहीं मानता और ना वो हार जाएगा। ज़्यादातर लोग ये फैंटेसीज पे लाते हैं कि ऐसा हो जाएगा पाकिस्तान के साथ कुछ भी नहीं होना, और उन लोगों को चाहिए कि वो इंडिया को, हाँ इंडियंस हमारे नाइबर्स कंट्री है, हम इंडियंस की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, और उनके देश में हम जाएंगे ज़रूर, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर वो ये डिमांड हमारे से करे कि जनाब आप आ जाए और वो जो डिफेंस मिनिस्टर है उसको चुल्ली पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेरे को सुन रहे हो, आई एम उजैर खान और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान, अगर आपने दोबारा ऐसा बोला तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे और आपको अपनी डिफेंस की जो आपकी मिनिस्ट्री है उससे हम आपको लात मार देंगे, आपका हसीना से भी बहुत बुरा हाल होगा। वो साहब जिन्होंने कोर्ट में जाकर ये कहा था कि जो ये गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर ये फॉरेन लैंड है,
ये हलफनामा जमा करवाया गया था, पावर ऑफ अटर्नी वहां पर ये जमा करवाया गया था, आपको याद होगा, उसकी बात वो कर रहे हैं। ये मौका, ये उनको कहने का मौका किसने दिया है? ये पाकिस्तान के लोगों ने ही दिया है। और वहां पे जाके आपको याद होगा कि जब वो कश्मीर में चल रहा था और अहमद फरहाद और वो सब कुछ जो एहतजाज था, उस दौरान जब वो किस्सा पहुंचा है कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट के अंदर जाके जो अथॉरिटीज थे, एडिशनल सेक्रेटरी थे, उन्होंने जमा करवाया कि ये फॉरेन लैंड है, उसके अंदर ये लिख दिया। हाँ। कि झूठ इतना तेजी से बोलो, हाँ, कि वो सच लगने लगे। अच्छा, ठीक है जी। हाँ। तो इसी तरह से उन्होंने पाकिस्तान को इतना ज्यादा टेररिस्ट कहा है कि दुनिया हमें टेररिस्ट मानती है। मैं ये समझता हूँ कि ये सीधी सीधी डिप्लोमेसी है। हाँ, डिप्लोमेसी, ये भारत की ना, हाँ, टैक्टिक्स हैं, जिस, हाँ, ये हर किस्म की जो कंट्रीज हैं ये किसी ना किसी तरह के पॉलिटिकल टैक्टिक्स करते हैं। पहले भारत डायरेक्ट अटैक करता था, बकायदा इन्होंने कश्मीरी के अंदर ना जेनोसाइड भी स्टार्ट किया। इसके अलावा उन्होंने जेनोसाइड बकायदा उन्होंने किया है, हमारा जो ये 2019-20 में जब इमरान खान का दौर था, तो इन्होंने इंडिया के ऊपर कब्जा बकायदा किया, जम्मू कश्मीर जिसको कहते हैं। तो अच्छा, 2019 आर्टिकल 370 की बात कर रहे हैं। जी जी, उसको हम जेनोसाइड ही कहेंगे। अच्छा, नहीं, वो तो आर्टिकल हटाया ना। तशद्दुद और जुल्म किया कश्मीरियों के ऊपर। अच्छा। तो बेहतर यही है कि कश्मीरियों को अकलमंदी से काम लेना चाहिए। अच्छा। और खुद मुख्तारी मांगनी चाहिए। अच्छा। ये अगर अपने साथ मिला भी लें, तो कल को इन्होंने जैसे पहले किया कि हिंदुओं को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कश्मीर में, हाँ, उनकी आबादी बढ़ा रहे हैं, हाँ, कश्मीर में एक जो मुसलमान अक्सरियत है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने तो खुद ही कह दिया कि फॉरेन लैंड है कश्मीर, तो उसी को तो वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो तुम लोगों को मानते नहीं, तो आ जाओ फिर मिल जाओ आके इधर। पैन इस तरह के मौके ना दिया करें, ऐसी बहुत नाजुक सूरत हाल है, ऐसी नाजुक सूरत हाल में अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो ये तो फिर होगा। तो उन्होंने कहा, अच्छा वैसे इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है, अब मैं आपको वो बताती हूँ। असल में किस्सा ये, उन्होंने ये कहा है कि इतने काम करवाएंगे जम्मू एंड कश्मीर में कि लोग देखेंगे कि यार ये तो वहाँ पर बड़ी खुशहाली है और दूसरी तरफ बड़ी बदहाली है। असल में बात ये है भाई, देखे ना कितनी वो इन्वेस्टमेंट यूनाइटेड अरब एमिरेट से लेकर और सऊदी अरेबिया तक, सब वहाँ पर जो है कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, कौन कौन सी जो वहाँ पे प्लाजे नहीं बन रहे और शॉपिंग मॉल्स और पता नहीं कौन कौन से क्या क्या बन रहा है वहाँ पर। बात यह है कि आज़ाद कश्मीर तो ऑलरेडी हमारा ही है। अच्छा। और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो मोहब्बे वतन है, पाकिस्तान के नारे लगाते हैं। अच्छा। पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं और वो पाकिस्तान को अपना एक हिस्सा बनाना चाह रहे हैं, तो इसमें वो जो मर्जी बोलते रहें, फिलहाल तो आज़ाद कश्मीर हमारे पास ही है। और मकबूजा कश्मीर जो कि उनके पास है, और मकबूजा की जो बात कर रहे हैं वो अभी हम फिलहाल कर रहे हैं, तो कोशिशें हमारी यही है कि वो भी जल्द से जल्द इंशाल्लाह हम उनसे लेके रहेंगे। और हमारी पाक आर्मी अब पूरी दुनिया में एक नंबर आर्मी है। अच्छा। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मौजूद है, और हम इंडिया से कोई डरने वाले नहीं हैं, और इंडिया अब हमारे जो पावर की चीज़ें हैं ना उनसे अभी काफ़ी पीछे हैं। तो अब तो उनको तो चाहिए ना, भारत को तो वहाँ पर ये वाले काम चाहिए और वो ये करवाएगा, उनकी तो ज़रूरत है ये। उन्होंने, वो खुद कहते हैं उन्होंने वहाँ पे स्टेबिलिटी लानी है, तो वो कह रहे हैं कि नौजवानों को हम इतना कुछ दे देंगे कि वो ज़रूरत ही नहीं उनको किसी और की। और यहाँ तक होगा कि उनको क्या, जो दूसरे लोग देख रहे होंगे जिनके पास के ना खाने को आटा पानी बिजली वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं, तो वो ये कहेंगे कि भाई हम इधर बैठे क्या कर रहे हैं। जितनी तेजी से इंडिया ने जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट की है पूरी दुनिया ने देखी है, जो फैसिलिटीज हमें पंजाब में मौजूद नहीं है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को दी जा रही, तो डेफिनेटली कोई भी नहीं चाहेगा कितनी आसानियों को छोड़ के कोई भूखे नंगे मुल्क के साथ मिले। बेसिकली ना, आप जितनी मर्जी सुविधाएं दे दो ना, अगर आपने, आप कह रहे हो कि वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, उसके बाद भी फिर नॉर्मल हालात हो जाने चाहिए थे ना, ठीक है, वो क्यों नहीं वहाँ पे हो रहे? अभी भी इतनी ज़्यादा आर्मी जो है ना वो वहाँ पे क्यों डिप्लॉयड है? क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल कंडीशंस नहीं है, गवर्नमेंट ऑपरेट करना चाह रही है, गवर्नमेंट इसको अपना विन पॉइंट लेना चाह रही है, लेकिन अभी तक वहाँ पे नॉर्मल हालात नहीं है। और मैं आपको ये बता दूँ कि आज़ादी जो होती है ना ये बहुत अजीज होती है। अब जैसे कि अभी जो एहतजाज हुआ था वहाँ पर, क्या उसमें सवाल था? उन्होंने कहा कि जनाब ये बिजली देख लें कितनी महंगी है, हम तो इतना नहीं देंगे। उन्होंने मनवा भी लिया, पता नहीं उनको जो अरबों रुपया उसके ऊपर किया गया था वो दिया या नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपनी बात मनवाई। उन्होंने कहा पूरा पाकिस्तान जो मर्जी करे, जितना मर्जी बिल दे, मर जाए बिल दे दे के, जो कि मरे जा रहे हैं, लेकिन हम नहीं देंगे। बात उनकी माननी पड़ी ना आपको, इसी तरीके से वो बातें मनवाएंगे। अब वो आपको ये कहेंगे कि देखें उधर ये है सरहद के पार जम्मू और कश्मीर में, ये राइट से उनको ये मिल रहा है, हमें भी यही चाहिए, वरना ठीक है। एनजे तो फिर अंजी सही,
ये है असल बात। तो आपको ये चाहिए हुकूमत को, यानी बात ये है कि आप भी ज़रा थोड़ा सा लोगों को, आवाम को रिलीफ दें, और वहाँ के आवाम को भी जो है इतने आप हकूक और इतने वो दें, ये जो प्रोटेस्टर्स के ऊपर ये जो है ना ये करना बंद कर दें। देखो हमारी जो मिसाइल ताकतें हैं, तैयारे हैं, हमारे जो आर्मी है हमारी बहुत तगड़ी है माशाल्लाह, नंबर वन पे जा रही है इस टाइम पूरी दुनिया में, तो इन चीज़ों से जो है ना हम काफ़ी आगे हैं। अगर तो पैसों में अभी तक कश्मीर का मसला हल क्यों नहीं हो सका? दरअसल बात यह है कि कश्मीर का जो हल है ना वो तो ऑलरेडी आज़ाद कश्मीर वाले हमारे साथ बहुत खुश हैं, वहाँ पे सब हकूक उनको मिल रहे हैं। देखो अभी उन्होंने एहतजाज किया था, हमारे गवर्नमेंट ने उनको पूरी सपोर्ट दी है, उनको अपनी जो है ना हक राय दी है, जो जो चाह रहे थे वो हमारे हुक्मरान ने ना सारी दे दी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा कि एक बंदा ये बात कर रहा था कि भाई आज़ाद कश्मीर छोड़ो, ये जो जम्मू कश्मीर है हमारा वो भी इनकी दुनिया की नंबर वन फौज वो ले लेगी। तो भाई पाकिस्तानियों, क्या ये वही फौज है जिनको टीटीपी वाले बीएलए वाले जो है आए तीन ठोकते रहते हैं, आए दिन आपके फौजियों को वो उठा के लेके जाते, उनका किडनैप करते, उनके कपड़े उतार के फिर वापस भेजते? मेरे हिसाब से ये वो दुनिया की नंबर वन मार खाने वाली फौज आज बन चुकी है। दूसरी तरफ इनका कहना है दोस्तों कि ये जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ के लोगों को हमने सस्ती बिजली और सस्ता आटा कर दिया, तो भाई क्या बिजली और आटे से उनका सब कुछ होने वाला है? वहाँ की एजुकेशन, वहाँ का मेडिकल, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका क्या होगा? जब आपकी खुद की देश की हालात इतने पतले हो चुके हैं तो आप क्या इनकी डेवलपमेंट करोगे? और साथ ही में उस बंदे ने ये बात की कि ये जो राजनाथ सिंह जी है हमारे डिफेंस मिनिस्टर, इनका वही हाल करेंगे जिस तरह शेख हसीना का वहाँ है। तो भाई ये पाकिस्तान नहीं है, ना ये बांग्लादेश है, ये भारत है, समझ लेना। अगर बांग्लादेश भी ज़्यादा फड़फड़ करेगा तो बांग्लादेश को भी उसकी औकात दिखाई जाएगी, और वो शुरू हो चुका है। पहले तो आप पाकिस्तान को संभालो, उधर बलूचिस्तान कहीं अलग ना हो जाए, उधर केपीके में कुछ ना हो जाए, या फिर इधर पीओके में कुछ ना हो जाए, तो जरा अपने देश के हालात संभालो, और ये धमकियाँ जो है ये बाद में देना। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।